यहाँ से ऑर्डर अपना प्लेस कर देना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, जैसे कंप्यूटर में होता है वैसे ही मोबाइल में होता है। तो मैंने दिखाया कंप्यूटर में किस तरीके से किया जाता है, अभी ये हमने बताया किस तरीके से मोबाइल में भी आप इजीली कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विक्रम। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्लिपकार्ट का जो सेल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से कंप्यूटर से करना है, मतलब ऑटोमेटिक जो फ्लिपकार्ट का फ्लैश सेल है उसको आप ले सकते हो, कर सकते हो ईजिली। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने मोबाइल से कर सकते हो, मोबाइल में किस तरीके से अपना जो ऑटोमेटिक बाई का जो ऑप्शन है। कंप्यूटर में करने से हमें जो एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, तो मोबाइल में तो वो नहीं कर सकते। तो किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। वो तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर जाकर आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, हमारे चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए किस तरीके से करना है वो अपने मोबाइल पे आपको बता देता हूँ। सो फाइनल गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे भी अपना जो ऑटोमेटिक जो बाई ऑप्शन है फ्लिपकार्ट में वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना और यहाँ पर लिखना KIWI। ओके, KIWI जब भी लिखोगे सबसे पहले जो ब्राउज़र एक आ जाएगा KIWI ब्राउज़र, इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना तो आपको भी पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद यही एक ब्राउज़र है जो कि एकदम से सभी एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। जैसे कि कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र में बहुत कुछ एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, इसी तरीके से ये ब्राउज़र सभी जो एक्सटेंशन है वो सपोर्ट करता है। तो किस तरीके से एक्सटेंशन को ऐड करना है सभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करना, देन यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, दिए यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे पहले सर्च इंजन को यहाँ पे गूगल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे गूगल जो देख सकते हो ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज सर्च इंजन में आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे देख सकते हो साइट सेटिंग, साइट सेटिंग में आपको क्लिक करना है। साइट सेटिंग में क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल कर लेना, देन नीचे देख सकते हो डेस्कटॉप मोड बाय डिफॉल्ट, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर देख सकते हो डेस्कटॉप मोड बाय डिफॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक करके देन डेस्कटॉप मोड बाय डिफॉल्ट पे आपको टिक कर देना है, देन इसको बैक हो जाना है, ठीक है। बैक होने के बाद इसके बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना, देन यहाँ पे आप फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना, देन यहाँ पे मोबाइल साइट पे टिक होगा, ठीक है, इसको अनटिक कर देना। तो ये देख सकते हो फाइनली ये जो है हमारा डेस्कटॉप मोड पे बाय डिफॉल्ट हो चुका है। देन यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंशन नाम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो एक्सटेंशन पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गूगल का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो यहाँ पे यू कैन फाइंड एक्सटेंशन। तो गूगल पे जब भी क्लिक करोगे तो आपका जो एक्सटेंशन है वो सर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका क्रोम एक्सटेंशन वेब स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, ये सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर अभी आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा जो एक्सटेंशन का जितना भी चीज़ है ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, क्लिक करना और यहाँ पे लिखना है प्राइस ट्रैकर, ठीक है। प्राइस ट्रैकर जब भी लिखोगे प्राइस ट्रैकर, तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस ट्रैकर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस ट्रैकर पे जब भी क्लिक करोगे तो प्राइस ट्रैकर, सॉरी प्राइस हिस्ट्री आ गया। ओके, तो ये रहा हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, देख सकते हो प्राइस ट्रैकर ऑटो बाई प्राइस हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये अभी ऑटोमेटिक बाई करके देगा, जैसे कि आपको कंप्यूटर में मिलता है यहाँ पे भी आपको सेम इंटरफेस मिलेगा। तो ऐड टू क्रोम पे आपको क्लिक करना है, साइड में देख सकते हो ऐड टू क्रोम है, देन इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके करने के बाद ये देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद ये देख सकते हो ओपन का भी ऑप्शन आ चुका है, पर हमें ओपन यहाँ पे नहीं करना है। तो देख सकते हो ऑटोमेटिक ये जो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है उसका वेबसाइट में, तो ये हमें काट देना है। ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये हम कहाँ से देख पाएंगे, यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस ट्रैकर नाम का यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो प्राइस ट्रैकर पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल है यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे अपना जो फ्लिपकार्ट है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आपको अपना फ्लिपकार्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, तो मैं आपको फ्लिपकार्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारा फ्लिपकार्ट वेबसाइट आ जाएगा, फ्लिपकार्ट पे आपको क्लिक करना है।
तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो फ्लिपकार्ट है यहाँ पे है, और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे के हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फ्लिपकार्ट है, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऊपर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, तो मैं ये डिस्प्ले, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर आपका फ्लैश सेल चल रहा होगा तो यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइस ट्रैकर नीचे देख सकते हो, नीचे की तरफ प्राइस ट्रैकर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी फ़ोन का नेक्स्ट सेल है फ्लैश सेल, ठीक है, फ्लैश सेल ऑटोमेटिक जब भी यहाँ पे आएगा, जो फ़ोन आपको चाहिए यहाँ पे देख सकते हो, क्वान्टिटी आप दे सकते हो, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 1, 2 या फिर 3 कितना क्वान्टिटी आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर देख सकते हो ऑटो चेकआउट ऑन फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट मोड आप क्या करना चाहते हो, पेमेंट मोड गिफ्ट कार्ड, फोन पे, नेट बैंकिंग, सीओडी, मैं फ़िलहाल सीओडी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कितना क्वांटिटी लेना चाहते हो फ़ोन का, ठीक है, फ़िलहाल के लिए एक ही लेना चाहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जो भी मोबाइल का आपका यहाँ पे फ्लैश सेल चलेगा वो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा फ़ोन यहाँ पे चल रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे बहुत सारा फ़ोन चल रहा है। ठीक है, तो आप जिसके ऊपर भी यहाँ पर टिक करोगे तो उसी टाइम पे, मतलब जब भी इसका सेल चलेगा उससे आप 5 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले इसको ओपन करोगे तो ये देख सकते हो ये मुझे यहाँ पे कमिंग सून पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब भी देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ एक येलो कलर का यू आर रजिस्टर्ड फॉर नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो ये जो जब भी आपका ये तो येलो है, जब आपका ये टाइमर हो जाएगा 30 मिनट पहले ये ऑटोमेटिक आपका पेज रिफ्रेश करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पेज ओपन करके रखना है और ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश करता जाएगा। जब ये येलो कलर ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट कर लेगा। जब भी कार्ट में आ जाएगा आपके यहाँ पे कार्ट में शो करेगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से ऑर्डर अपना प्लेस कर देना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, जैसे कंप्यूटर में होता है वैसे ही मोबाइल में होता है। तो मैंने दिखाया कंप्यूटर में किस तरीके से किया जाता है, अभी ये हमने बताया किस तरीके से मोबाइल में भी आप ईजीली कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी नॉलेज लगा, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को कीजिए एक लाइक, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बाकी मैं विक्रम मिलता हूं आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।